तो दोस्तों, जैसा कि हम आप सबसे बोलते हैं कि हम जिस भी किसी बाइक का रिव्यू करते हैं उसके जितने कलर वेरिएंट कंपनी के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं वो सारे कलर वेरिएंट आप लोग को वीडियो के जरिए देने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग घर बैठे डिसाइड कर पाए अपने फेवरेट कलर के बारे में। तो दोस्तों, आज है हमारे पास 2021 मॉडल न्यू बजाज पल्सर NS125 BS6 मॉडल का पाउडर ग्रे कलर, जो की काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों, इसका जो लुक्स वाइज देखेंगे, इसके ग्राफिक्स वाइज देखेंगे ना, तो ये NS160 और NS200 की तरह देखने में लगती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। अगर आप इसे अचानक से देखेंगे तो इसे आप लोग पहचान नहीं सकते कि ये NS160 है या फिर 125 है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ 2021 में इसकी प्राइस कंपनी ने क्या रखा है, यानी कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आप लोग को कितना पड़ रहा है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर आप लोग NS के लवर हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़ा बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे ने वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कलर वेरिएंट के बारे में। तो इसमें आपको कंपनी चार कलर प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहला है जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका पाउडर ग्रे कलर है। इसका जो ऑफिशियली नेम है वो है पाउडर ग्रे कलर, अगर आप इसे चाहेंगे तो ग्रे कलर भी बोल सकते हैं, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और इसका जो दूसरा कलर निकल के आता है वो निकल के आता है ऑरेंज कलर। इसका जो तीसरा कलर निकल के आता है वो निकल के आता है ब्लू कलर। और इसका जो चौथा और आखिरी कलर निकल के आएगा वो निकल के आता है रेड कलर। तो दोस्तों, इसका जो ऑरेंज, ब्लू और रेड कलर है, इन तीनों कलर वेरियंट का मैंने वीडियो पहले बना रखा है, तो अगर आपको उन कलर वेरियंट का वीडियो देखना है तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पाउडर ग्रे कलर है ना, ये आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो गौर से सुनिएगा, इसका जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 99,685 रुपीज, यानी कि 99,685 रुपए एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और कंप्लीट 2021 मॉडल न्यू बजाज पल्सर NS125 BS6 मॉडल आप लोगों को कितने में देखने को मिलेगी वो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिल जाता है, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी साइज है 240 mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देख सकते हैं ABS का चैन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इसमें आपको ABS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको SBT का सपोर्ट जरूर देखने को मिल जाता है, यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। इसका यूज ये होता है कि अगर आप इसका रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका जो फ्रंट ब्रेक होता है वो ऑटोमेटिक कुछ परसेंट अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है ना वो स्लिप नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिल जाता है, 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके अलॉय व्हील के ऊपर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की एक लाइनिंग देखने को मिल जाती है, ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा वही सेम आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कम्फर्ट देने वाला है। और वही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आएगा ना वो बिल्कुल NS160 और NS200 की तरह देखने में लगती है। तो अगर आप इस बाइक को फ्रंट से देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल NS160 की तरह देखने में लगती है। अगर आप इसे देखते हैं फ्रंट से अचानक से तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये NS125 है या फिर NS160 है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट हेडलाइट मिलेगा, वॉक मिल जाता है, 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब मिल जाता है 2 pilot lamp के साथ। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा वही सेम आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। और वही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से मीटर कंसोल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो मीटर कंसोल मिलता है ये आपको सेमी डिस्टेंस मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। जो पल्सर NS के लवर है ना, उन्हें ये मीटर कंसोल काफी अच्छा लगता है देखने में। तो आप लोग का इसका जो मीटर कंसोल है ना, ये आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, इसमें आपको बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, राइट साइड में आपको क्या कहते हैं डिस्टेंस मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इंजन माउंट फंक्शन लाइट देखने को मिल जाता है, बजाज की आपको लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लू कलर के साथ मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो दोस्तों, इसका जो मीटर कंसोल है ना, ये पहले की तरह देखने को मिलता है, जैसे NS160 और NS200 में मीटर कंसोल मिलता है, वैसे ही सेम मीटर कंसोल इसमें भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसके लेफ्ट हैंडल बार पे आपको मिल जाएगा लो एंड बीम का स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाएगा, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, स्विचेस क्वालिटी जो आपको मिलेगी वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है, जो कि आपको पहले की तरह देखने को मिलेगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं इस बाइक के राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको इंजन किल स्विच के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक मिलेगा वो आपको ग्रे कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल टैंक पैड देखने को मिल जाएगा, जो कि राइडर के लिए काफी हेल्पफुल होता है राइडिंग के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आप देख सकते हैं पल्सर का 3D एम्बल लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि इस बाइक को और भी ज्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के काउल पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको व्हाइट कलर की ग्राफिक के साथ आपको 125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो दोस्तों इसका जो साइड से लुक निकल के आता है ना, इस ग्राफिक्स की वजह से, इस मस्कुलर लुक की वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और भी ज्यादा स्पोर्टी लगता है देखने में। तो दोस्तों आप लोग को इसका साइड से लुक कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो लगभग आप मान के चलिए 12 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको फ्यूल गेज अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको FI सिस्टम नहीं मिलेगा या फिर इसमें आपको कार्बोरेटर सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें से कार्बोरेटर सिस्टम हटा दिया गया है, अब इसमें आपको जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलेगा वॉक मिल जाता है ETFI, यानी कि इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। इसका यूज ये होता है कि आपका जो पेट्रोल होगा वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी और उतना ही पेट्रोल सप्लाई होगा जितना कि आपके इंजन को जरूरत होगी, तो इसका सीधा असर आपके माइलेज पे देखने को मिलता है। तो इसका जो माइलेज मिलेगा ना वो लगभग आप मान के चलिए 40 से 45 का माइलेज ये आपको आराम से देखने को दे देती है। और अगर आप इस बाइक को नॉर्मल स्पीड में राइड करते हैं तो इसका जो माइलेज मिलेगा ना वो आपको 45 प्लस का भी माइलेज आप इस बाइक से आराम से गेन कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी माइलेज है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के माइलेज की बात, और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन मिलेगा वॉक मिल जाता है 124.45 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वाल्व एयर कूल DTSI BS6 इंजन देखने को मिलेगा। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिल जाता है 12 PS का 8500 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिल जाता है 11 न्यूटोमीटर का 7000 RPM पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, जो कि है ETFI इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो मैक्स पावर है ना, इसका जो मैक्स टॉर्क है ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके KTM ड्यूक या फिर KTM RC को छोड़ दें 125 सेगमेंट में, तो इसका जो मैक्स पावर है ना, इसका जो मैक्स टॉर्क है ना, वो 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो सीट मिलेगा वो आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, जो राइडर सीट है वो आपको काफी कंफर्टेबल देखने को मिलेगा, लेकिन जो पिलियन राइडर का सीट है ना वो थोड़ा सा कम कंफर्टेबल है राइडर सीट की अपेक्षा में। लेकिन जो पिलियन राइडर सीट है वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट है, लेकिन उतना सॉफ्ट नहीं है जितना की राइडर सीट है। तो जो पिलियन राइडर होता है ना उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है, अगर वो लॉन्ग राइड करता है इस बाइक पे पिलियन सीट पे बैठ के, तो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए साइड में आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के ग्राफिक के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं NS125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है ग्रे और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो पिलियन ग्रेविल मिलेगा ये आपको डिवाइडर ग्रेविल मिल जाता है, जो कि इस बाइक को और भी ज्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे देखिए टेल लाइट के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ग्रे कलर की आपको एक सिंपल सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। और इसका जो टेल लाइट मिलेगा वही सेम आपको पल्सर सीरीज वाला फुल्ली LED टेल लाइट मिल जाता है, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो साइड इंडिकेटर देखने को मिलेगा वही सेम आपको 10 वाट का सुपर फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि काफी स्पोर्टी डिजाइन मिलता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए दूसरे साइड में आप देख सकते हैं व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको NS125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी ग्राफिक देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिल जाता है, ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी साइज है 130mm का, यानी कि फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा विद SBT सिस्टम के साथ, और रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। और इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिल जाता है 100/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जो सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। तो दोस्तों इस बाइक में आपको कंफर्ट को लेकर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को कम प्राइस में आपको एक स्पोर्टी बाइक देखने को मिल जाए, तो आप लोग इस बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो लुक है ना ये काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है। जैसे NS160 और NS200 आती है ना, वैसे ही सेम लुक देखने को मिलता है, जो कि आप लोग को काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के पास एक स्पोर्टी बाइक हो, लेकिन अगर आप लोग का बजट कम है, तो आप लोग इस बाइक को ले सकते हैं। और वहीं आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके बाई चांस बाइक के बैटरी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग इस बाइक को किक मार
मार के स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात है, और वही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ मिलेगा वॉक मिल जाता है 2012 mm का। इसका जो हाइट मिलेगी वॉक मिल जाती है 1078 mm का। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिल जाता है 179 mm का। इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिल जाती है 850 mm का। इस बाइक का जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिल जाता है 1353 mm का। इसका जो कार्बेट निकल के आती है वो निकल के आती है 144 kg की। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखा है, जो कि है 12 लीटर की। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। अब बात करते हैं फाइनली इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके कंप्लीट प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसका जो एक्सोन प्राइस है ना, वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखा है, जो कि है 99,685 rupees एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। अब बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो गौर से सुनिएगा। ये लगभग आप मान के चलिए 1,17,000 से 1,20,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको प्राइस बताया है ना, वो मैंने आपको एक लगभग प्राइस बताया है, ये मैंने आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया है, क्योंकि जो बाइक की प्राइस होती है वो हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो मैंने आपको प्राइस बताया है उससे आप लोग अपना एक बजट सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के फीचर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये पाउडर ग्रे कलर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगे, ये कलर अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।